नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है फिर से आपको हमारे चैनल क्वालिटी टाइम में। दोस्तों अभी मैं हूँ मनाली के फेमस हिडिंबा टेंपल में। जैसे कि आप जानते होंगे, हिडिंबा देवी जो थी एक राक्षस कुल से जन्मी हुई थी और महाभारत काल में वो एक लेजेंडरी फिगर थी, जो पांडु पुत्र भीम के भी पत्नी थी। तो ये एक हिस्टोरिकल टेंपल है, द्वापर युग से हिडिंबा देवी को यहाँ पे पूजा जाता है, जिनका पुत्र थे घटोत्कच और महाभारत में उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हिडिंबा टेंपल का टूर कराता हूँ मैं आपको। वीडियो के एंड तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल ऑफ मनाली। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, देखो बहुत ज्यादा लंबा पेड़। दोस्तों बहुत साल पहले जब पांडव अपने वनवास के दौरान जंगलों में भटक रहे थे, तब वे इस क्षेत्र में आए जो अब मनाली के नाम से जाना जाता है। यहां उनकी मुलाकात राक्षसों के एक कबीले से हुई, जिसका शासन एक शक्तिशाली राक्षस राजा हिडिंब के नाम से था। हिडिंब की एक बहन थी जिनका नाम था हिडिंबा, जो बड़ी बलशाली और सुंदर थी, पर उसके दिल में एक करुणा थी जो उसे बाकी राक्षसों से अलग बनाती थी। एक दिन हिडिंब ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वे पांडवों को जाल में फंसाकर उसको पास लाए, ताकि वे उनका शिकार करके उनको खा सके। लेकिन जब हिडिंबा ने भीम को देखा, जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, तो वो उनकी प्रेम में पड़ गई और उसने तय किया कि वे अपनी भाई से पांडवों की रक्षा करेगी। हिडिंबा के भाई हिडिंब को जब इस बात का पता चला कि उसकी बहन ने उसका आदर्श का पालन नहीं किया, तो वो खुद भीम से लड़ने आए। भीम और हिडिंब के बीच में घमासान युद्ध हुआ। भीम अपनी शक्ति से हिडिंब को हराकर उसका वध कर दिया। इस प्रक्रिया में पांडव भी सुरक्षित रहे और हिडिंबा अपने भाई से आजाद हो गई। जब भीम पांडवों के साथ अपने वनवास को पूर्ण करने आगे बढ़ गए, तो हिडिंबा ने अपना जीवन तपस्या और आध्यात्मिकता में लगाने का फैसला किया। वे इस जंगल में ही रह गई और यहाँ पे देवी के रूप में पूजा जाने लगी। सदियों बाद लोगों ने उनकी भक्ति और तपस्या को सम्मान देने के लिए एक मंदिर बनाया, जो आज हिडिंबा देवी मंदिर के रूप से जाना जाता है। सन 1553 में राजा बहादुर सिंह ने हिडिंबा देवी का मंदिर बनाया। ये मंदिर अपनी अनोखी पगोड़ा स्टाइल छत और लकड़ी से बनी सुंदर नक्काशियों के लिए जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए दरवाजों पर की गई नक्काशी वन्य जीवन और राक्षसी धाम के चित्र प्रदर्शित करती है।
मंदिर का शांत और प्राकृतिक वातावरण ये एहसास दिलाता है कि जिसे हिडिंबा देवी अब भी अपने लोगों की यहाँ पे रक्षा कर रही है और इस जगह की सुरक्षा कर रही है। दोस्तों, मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है बल्कि हिडिंबा देवी का एक चरण चिन्ह यानी फुटप्रिंट स्थापित है जिसे उनकी पूजा की जाती है। भक्तों का मानना है कि हिडिंबा देवी अब भी इस स्थल की सुरक्षा करती है और लोगों की मनोकामना पूरी करती है। हर साल हिडिंबा देवी के सम्मान में मनाली में एक विशाल मेला लगती है जिसे हिडिंबा देवी मेला कहा जाता है। ये मेला विशेष रूप से नवरात्रि के समय ही होता है जब हजारों लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। हिडिंबा देवी का इस रीजन के लोगों के मन में बहुत महत्व रखता है और उन्हें मनाली की रखवाली भी कहा जाता है। मंदिर का शांत वातावरण, ऊंचे पेड़ों से बीच स्थित होना और देवदार के पेड़ों की खुशबू सब मिलकर एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती है। यहाँ की शांति, आध्यात्मिक माहौल और प्राकृतिक सुंदरता ये सभी मिलकर इसे एक ऊंचा स्थान देते हैं जो न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। चलिए मिलके मंदिर के इर्द गिर्द जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ चारों तरफ कितने लंबे लंबे पेड़ हैं जिसको देवदार पेड़ कहा जाता है। इसकी लंबाई बहुत ज्यादा ऊंचा है, करीब करीब 100 फीट से भी ज्यादा, और इनका जो लाइफ टाइम है ये पेड़ों का वो भी 100 साल से ज्यादा रहता है। दोस्तों, मंदिर के पास एक बड़ा पत्थर स्थित है जिसे हिडिंबा देवी का तपस्या का स्थल माना जाता है। यह पत्थर प्राकृतिक और आध्यात्मिकता का सुंदर मेल है जो मंदिर के सुंदरता और पवित्रता को और भी गहरा बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग हिडिंबा देवी के विग्रह को लेके उसी तपस्या स्थल को जा रहे हैं जहां पे हिडिंबा देवी उस पत्थर पे बैठ के तपस्या करती थी। यही है वो स्थल जहां पे हिडिंबा देवी तपस्या करती थी। और पीछे आप देख सकते हैं ये वही पत्थर है जहां पे हिडिंबा देवी द्वापर युग में तपस्या करती थी। दोस्तों, ये था हिडिंबा देवी मंदिर का एक छोटा सा पेशकश। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।